Bobby, sit down. Veer Rao, Urf Bheem Rao. अरे वीरप्पन के जैसी मूछ रखा है क्या? जब वो था चंदन गायब करता था, अब तुम ऐसी मूछ रखकर बियर विस्की गायब करने की तैयारी कर रहे हो क्या? वीर राव उर्फ भीम राव, तभी पता चला वीर भीम राव। ये गर्दन क्यों खुजा रहा है? तुम मूछ फिराओ, मूछ घुमाओ, घुमाओ घुमाओ। रमेश, राणा, आनंद, अकेल, वरप्रसाद, इन नामों के आगे किसी का भी सरनेम क्यों नहीं है? मत घबराओ, मुझे सब खबर है। क्या देख रहा है? तुम सोच रहे हो ना कि एक ऑफिसर यहां आकर हमारे सारे परिवार की पूछताछ क्यों कर रहा है? इसे कैसे पता चला? आई नो एवरीथिंग। शायद आप नहीं जानते, इस शहर में जितने पुलिस स्टेशन है, इन सबको एक हफ्ते में मिलने वाली रिश्वत का पैसा 4 करोड़ है। ग्रेट, एक्सलेंट। ब्रोकर्स, गैंगस्टर्स, पिम्स, इन लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है। इनकी पुलिस जरूर हिफाजत करेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें जनता बोल रही है। जस्ट एक बार सोच के देखो, एक टेलर का बेटा रास्ते से गुजरेगा तो लोग कहेंगे टेलर का बेटा जा रहा है, एक टीचर का बेटा जाएगा तो कहेंगे टीचर का बेटा जा रहा है, वही एक पुलिस वाले का बेटा जा रहा हो तो कहेंगे कि पुलिस वाले का बेटा जा रहा है। दैट्स राइट। पुलिस वालों का हाथ कभी भी आसमान की तरफ फैला हुआ नहीं दिखना चाहिए, वो हाथ हर वक्त जनता को आशीर्वाद देने जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो ये सुटी पुलिस की कोई इज्जत नहीं रहेगी। इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए मुझे दिल्ली से यहां ट्रांसफर किया है। ये है जेडी, ग्रेट बिजनेस मैग्नेट। अपने हाथों में अधिकार लेकर लोगों की सहायता से राजनेताओं को अपने साथ रखकर उसे जो चाहे वो कर रहा है। दूसरे का नाम है पोतिया राज, मारपीट के जरिए खून बहा के उसे जो चाहे वो कर रहा है। ये दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, मगर ये दोनों जानी दुश्मन बन गए हैं। इनको आज जिंदा रखा है पावर ने। इन दोनों को पकड़ने के लिए आपकी जरूरत है, मुझे मदद करो या ना करो। आई विल सी द एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग। नया नया आने वाला हर कमिश्नर फर्स्ट डे ऐसे ही स्पीच देता है, 4 दिन बाद बोलेगा मेरा हिस्सा कहां है। निशाना नहीं, निशाना सही जगह लगेगा। नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगली बार निशाना नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट फायर करूंगा। बेटा एक्सरसाइज हो गई? ना 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 ना, ये एमएलए बनना कितना मुश्किल है ये अब पता चला। 5 साल से आप और पोतियाराज जिगरी दोस्त थे, इसलिए मैंने जाकर उस पोतियाराज से कहा, लेकिन वो साला अब आप पर एक साजिश कर रहा है। आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, आपका चुप बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, उस पोतियाराज ने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर की ओर से एक प्रकाश नाम के सिंसियर अफसर को बुला के तुम्हारे शराब की फैक्ट्री के बारे में सब कुछ डिटेल से सबूत के साथ बता दिया है। मैं कल प्रकाश से मिला था, उससे बोला कि वो फाइल दे दे तो जेडी साहब से बोल के तुमको 30 लाख रुपए दिलवाता हूँ। सुनिए तो, वो फिर भी उस पोतियाराज का ही सपोर्ट कर रहा है। प्रकाश आपके बारे में नहीं जानता कि आप क्या चीज है। बाप रे, ये तो प्रकाश है, मर गया क्या? आपके फैक्ट्री में चोरी का माल तैयार हो रहा है, आप आके देखेंगे सब पता चलेगा। इस डर से प्रकाश को मैंने ही बुलाया था। पोतियाराज बोला कि तुम्हें मिनिस्टर बनाऊंगा, 30 लाख रुपए दो, इसलिए साजिश करके 30 लाख रुपए आपसे लेके पोतियाराज को देकर मिनिस्टर बनना चाहता था। मुझे मत मारिए सर। गाड़ी रोको। नमः
बाबू जल्दी से स्नान करके आओ, वक्त बीत रहा है। इन सब लोगों को हटाओ और उन दोनों को ले आओ। क्यों पंडित जी मूर्ति बनकर खड़े हो गए, मालूम है पे कौन हूँ? पोत्याराज, मेरा नाम है पोत्याराज। उस दिन मेरे आदमी को एमआरए ने राशन कार्ड नहीं दिया, इसने बीच सड़क में उसका खून कर दिया। उसके गवाह आप ही हो ना माँ जी? तुम्हारे पति का टाइम बुरा है। इसको अगर मैंने जिंदा छोड़ा तो ये कल जाकर कोर्ट में गवाही देगा। वेजिटेरियन खाने वाले को तुम्हें इतनी अगर हिम्मत है तो को 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 को। तो रोज मुर्गी खाने वाले हमें कितनी हिम्मत होगी सोच? नहीं बताएंगे, छोड़ दीजिए। 5 लाख रुपए मिलेंगे ना तुझे, इसलिए गवाही देने जा रहा है ना? गवाही नहीं दी तो वो मारेगा, गवाही दी तो मैं मारूंगा। तू कब मरेगा तुझे ही पता नहीं, तू हर पल मर मर के जीने के बदले अभी मरना बेहतर है। तुम्हें विधवा नहीं बनाऊंगा मैं, तुम भी मर जाओ, जाओ जल्दी। पंडित तुम दोनों इधर आओ, आओ इधर। ये क्या है रे? राम 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 राम। क्या है? हथियार है, इसे मारेंगे तो क्या होगा? आओ इधर। क्यों रे पंडित, हथियार से अगर मारूंगा तो आप दोनों मर जाएंगे, पर मरने से पहले माँ को जरूर याद करेंगे ना? तो बच्चा क्या माँ के नाम के बजाय लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है? वो क्या है ना, तुम बोलो। पवित्राणाय साधु। वो मुझे भी पता है, उसका मतलब बताओ। सच्चाई की रक्षा के लिए। धर्म को मिटाने के लिए। हर युग युग में भगवान जन्म लेते हैं। Thank you.
रुको बेटा, छोड़ इसको। जसवाल ये है क्या? नहीं सर, वो वहां है। ये ये छोटा बच्चा ये फुटबॉल प्लेयर्स को मारा, ये अकेला 11 लड़कों को मारा। आई कांट बिलीव इट। ए खड़े हो जा अब। ए तू क्या घूर रहा है? अब गेट अप। वाइल्ड कैट, खूंखार। ए इसे ने मारा क्या? ए क्यों डरा रहा है तू? तू कोई आदमखोर शेर है क्या? ए जरा उनको बुला। ए तेरा नाम क्या है? तू कहां से आया? किस लिए आए हो? बात कर बे साले। साले कमिश्नर पे हाथ उठाता है, तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। सर इसको मत मारो सर। ये सच बताएगा या नहीं? नहीं बता सकता सर। बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बताएगा सर? क्यों नहीं बताएगा? ये नहीं बता पाएगा, ये गूंगा है। देखो मां, बस स्टैंड में जो कुछ भी हुआ आप ही लोग बताइए। बताती हूँ सर। मैं और मेरी बेटी मेरे भैया बस में जा रहे थे, इन गुंडों ने मेरी बेटी को छेड़ा और बलात्कार करने की कोशिश की। बचाने के लिए एक भी आदमी आगे नहीं आया, तब ये शेर सामने आया। ओके अटेम्प्ट टू रेप सेक्शन 354। जयसवाल उन फुटबॉल प्लेयर्स को लॉकअप में डालो। फुटबॉल कैसे खेलना है मैं बताता हूँ। गो। देखिए मां, आप कंप्लेंट लिखकर दे दीजिए प्लीज। बाप रे, खूंखार शेर। सर पानी लीजिए। अरे ग्लास में नहीं, जग में लाओ। जाओ ये क्या आप लोग बिना बताए चले आए? आप लोग कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? गांव में बरसात नहीं है इसलिए हम लोग शहर आए हैं। सच कहूँ तो इस शहर में हमारा पहचान का कोई नहीं। क्या कह रहे हैं आप? हम पहचान वाले नहीं हैं, हमारे पास तुम तकलीफ मत करो, हम तीन लोग हैं। तुम्हारे घर पे जगह? क्या बात कर रहे हैं, मेरी दीदी के यहाँ एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, आप लोग किसी भी कमरे में रह सकते हैं। भैया मेरा कोई भाई नहीं, आपको ही मेरा भाई समझूंगी। हमारे साथ चलिए ना। देखो तो कैसे जवानी उछाल रही है, इसे देखकर तो बुढ़े भी जवान हो गए। अरे उन्हें क्या कौन है? हाँ भैया आप लोग कैसे मिला रहा है? लाइन में खड़ा रहो, लाइन में खड़ा रहा। ओ मेरे भगवान, मुझे माला माल सर पर संजय दा अनिल का आशीर्वाद।
क्या चाहिए? क्या चाहिए बतावा? चार कटिंग। तेरी तो तुम कहाँ आए हो? बॉलीवुड के मिल्क सेंटर के पास। तिरुपति का लड्डू फेमस है, कश्मीर का सेब फेमस है, आगरा में ताज फेमस है, यहाँ बिकने वाला मसाला दूध फेमस है। तो यहाँ जिसे चाहे उसे मसाला दूध मिलेगा क्या? अरे स्ट्रगलर, हमारे हीरोइन के हाथ का दूध पिला दो, ग्लास का 25 रुपया। पॉकेट में पैसा है? अरे 25 छोड़ो, 50 ले लो। हटो। ये मौका सबको नहीं मिलेगा। तेरी की। ओ सुनो, एक एक करके सब हफ्ता दे दो। मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तो भी कोई पैसा नहीं निकल रहा है। भैया मंगला देवी गांव में नहीं है। ओ, तो वहाँ हो ना, जवान बनकर पैसा निकाल। ओ हीरोइन, ये लो नोट में गांधी का फोटो है, मेरे सीने में तुम्हारा फोटो है। तुम हाँ कह दो तो ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा और तुम मेरी बन जाओगे। चाहो तो बॉलीवुड में चांस भी दिलवा दूंगा। ओके ना? ओ मां मंगला, अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम सामने आ गई। चल निकल। बता। नहीं दूंगी रे। नहीं दोगे? नहीं देंगे? कहां जाकर हिम्मत खरीद के आ गया? इसको देख के आई हिम्मत? हाँ भैया, बैठ बैठ बैठ। क्या है भैया, तुम इस गांव को छोड़कर यहाँ आ गए हो? ये बात मुझको मालूम नहीं थी। इस एरिया में तो क्या भैया, हम तो सारे स्टेट में नजर नहीं आएंगे भैया, पक्का। हाँ चले चलते भैया, चले। आइए ना भैया। चलिए मास्टर जी, चलिए माँ जी। बॉलीवुड का बादशाह? ओ मेरे भगवान, एक ही शॉट में टेक ओके हो गया, रीटेक क्यों नहीं हुआ? उस पे एंगल मत लगा, एनजी हो जाएगी। अभी भी इस सड़क में कुछ विलनों की पिटाई हुई है। ऐसा हीरो तेरी लाइफ एंट्री होगा तो जिंदगी हाउस। हाँ दीदी, अगर तुम्हारे साथ हो तो दूसरों को डेट ही नहीं मिलेगा। उसकी डेट नहीं मिलेगी। मिलेगा तो उसके खातिर मैं दूध का दुकान लग दूंगी। ज्यादा पेमेंट मांगा तो? अगर ऐसा हो तो मेरा बंगला भी लिख दूंगी। फिर भी नहीं माना तो? उसके स्टाइल को बॉलीवुड लिख कर दूंगी। तो भी नहीं माना तो? टोटल हॉलीवुड लिख कर दूंगी। पहले ये काम करो, तुम्हारी फिल्म जरूर बन जाएगी, जल्दी रिलीज हो जाएगी। तुम दोनों डे नाइट शो देखो। मंगला बहन, पानी क्यों नहीं आ रहा है? हमारे घर में तो आ रहा है। हमारे घर में फुल आ रहा है। हाँ हीरोइन, हीरोइन, वो बुढ़ी औरत क्या पानी के लिए आ रही है? पानी लेने तो मेरे हीरो आएगा। बेटी माँ जी, क्या चाहिए? जरा दो बाल्टी पानी चाहिए। आप मांगे तो दूध भी फ्री में दूं। फिर ये पानी क्या चीज है, ले जाइए ना माँ जी। ये बुजुर्ग है, ये पानी लेकर कैसे जाएंगे? ये बाप रे, स्टोव पर तो पराठा डालकर आए। वो सब माँ देख लेगी, तुम जाकर पानी दे आओ। लो लो, या, 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 जा, जा। क्या हुआ बेटी? मैं पानी लेकर गई तो उन्होंने तेल दे दिया। उसका सर बहुत गर्म है, उसे तेल डालकर मसाज करके ठंडक पहुंचाओ। लगा देती हूँ। Da 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 da, hey yeah. Da 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 da.
जादू बेकाबू बेकाबू दिल हुआ मेरा बेकाबू टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग दिल डोले अखियां मिली के हौले हौले पढ़ के चाहत के शोले पद मुझे बाहों में भर ले
इस वक्त ये कौन है? बीच रोड में चला आ रहा है? ए, गाड़ी रिवर्स ले। ए, तुम ही हो ना? पुलिस स्टेशन गूंगा। और इस वक्त? ए, टाइम क्या हो रहा है? 12 बज गए सर। आधी रात को और वो भी 12 बजे? तुमको बीच रोड में क्या काम है? ओ, तुम गूंगे हो ना? बात नहीं कर सकते। सर, सर। आइए आइए महाराज, इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हो? इसको नींद में चलने की आदत है सर। आ, आ, गूंगा, स्लीप वॉकिंग, सैड स्टोरिया। इस बार माफ कर दीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम लोग जा सकते हैं क्या? नो। मैं ड्रॉप करूंगा। ए, ये सिटी है, तुम्हारा गांव नहीं। फिर दोबारा इस तरह दिखाई दिए तो अंजाम बुरा होगा, बता इसको। चल। नहीं बेटा, एक गुस्सा छोड़ दे। बेटा मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? हाँ, आधी रात को बीच रोड में चलकर जा रहा था, कमिश्नर ने देख लिया। नींद में चलने की आदत है, बोल के ले आया हूं। बेटा अब तक दो बार कमिश्नर की नजरों में आ चुके हो, तीसरी बार देखा तो छोड़ेगा नहीं। हाँ बेटा, मंजिल तक पहुंचाने वाला ही पुलिस स्टेशन चला गया तो हमारे काम को अंजाम तक पहुंचाएगा कौन? बेटा सिर्फ हथियार चलाने से कुछ नहीं होता, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। कल सुबह मंत्री जी से मिलने जाएंगे। फिर भी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आमंत्रण पत्र के बदले करेंसी भेजे थे ना, इसलिए आना पड़ा। संभाल के बैठो, संभाल के बैठो, गिर जाओगे। सुनो, छोटा पार्क बोल के 10 लाख दिए थे, कितने एकड़ में है? 10। 10 एकड़ में तो और रुपए चाहिए। अच्छा सुनिए सर, मुझे ईमानदार समझते हो क्या? इलेक्शन में कितने रुपए खर्च किए मैंने, चुपचाप 1 करोड़ भिजवा देना, नहीं तो पार्क की ओपनिंग नहीं होगी। ठीक है सर, उद्घाटन के बाद जरूर भेज दूंगा सर। माइक देखते ही मेरे बोल बच्चे शुरू हो जाते हैं। मेरी प्यारी जनता को नमस्कार। सर सर, क्या हुआ सर? मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। रुको रुको, हम मंत्री जी के गांव वाले हैं, हमें उनसे जरूरी बात करनी है। अभी तुम लोग नहीं मिल सकते। साहब, 1 मिनट बात करके चले जाएंगे। सर, सर, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो उनको जल्दी सर। चलो सर, सर इस हालत में आप मुझे में मत क्या सर। करना है मुझे पता, तुम चुपचाप रहो। चलो बच्चों। जरूरत नहीं है मंत्री जी, चल बस। अरे अरे, इसमें क्या है? इस पुड़िया में क्या है? कुछ बोलो तो सही। वो रूम नंबर 53 में रहने वाले हीरो को पटाने के लिए हिमालय से मंत्र पढ़ाकर लाया हुआ जादू की पुड़िया है। इसे दूध में मिलाकर उसको पिलवाऊंगी। मर गए तेरे आशिक, कितने आशिक। शूटिंग शुरू होने वाली है। पिलाने के लिए आइडिया है ना? आधी रात को 12 बजे
दूध इससे पिलवाऊंगी। क्रेन अप, एक्शन चालू। क्यों बंद कर रहा है? आगे का शो देखना मना है? ये रामू के फिल्म है क्या? मेरी महबूब
आशिक तेरा। तुम्हारी तरह सपने देखना हमको नहीं आता। हम प्रेक्टर लोग हैं, चोरी पसंद नहीं करते, समझे क्या? छी, सारा प्लान ही दूध में मिला दिया। अरे का बोलती है तुम लोगों को? पार्टी प्रेसिडेंट ने क्या कहा? पार्टी प्रेसिडेंट ने टिकट ना देने का फैसला किया है। हमें नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। गुंडे, हम गुंडे हैं। सूट पहनने वाला जेडी बड़ा इंसान है, धोती पहनने वाले हम गुंडे हैं। गुंडे, ओके ओके। एक जमाने में वो सत्याग्रह करता था, वो राजनेता बनता था। अब जो हत्याकांड करता है वही राजनेता बनेगा। पैसे देंगे तो एमएलए, दारू पिलाएंगे तो एमपी बन जाएंगे। राजनेता बनने के लिए उस जमाने में एक काबिलियत की जरूरत थी, अच्छा इंसान बने रहना। अब सिर्फ दो की जरूरत है, हथियार और करेंसी। उनके पास सिर्फ करेंसी है, हमारे पास करेंसी के साथ साथ हथियार भी है। भैया छोड़ दो भैया, मेरे नसीब में नहीं लिखा। तुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाऊंगा, वो जेडी का बेटा। जिस दिन नॉमिनेशन करेगा उसी दिन हम भी नॉमिनेशन करेंगे, जीतेंगे और संसद में जाके बैठेंगे। प्रणाम गुरुजी। नॉमिनेशन के लिए इलेक्शन ऑफिसर की हजामत करने। Don't talk rubbish। ये क्या रे, डाटा डाटा क्या? ये इंग्लिश आपकी समझ में नहीं आएगी। राजनेताओं को मारने का धंधा करने वाले तुम जैसे गुंडों का नामो निशान मिटाता है। तुम हमको बर्बाद करोगे तो ओके, हम बर्बाद करेंगे तो तुम। जीतने की बात दूर, डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। देखा जाएगा, देखेंगे। बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। बैठो। ये क्या है देख रहे जरा? ये नॉमिनेशन फॉर्म है, आप इस पे साइन कर दीजिए। सर आप गलत मत समझिएगा, ये डीलिंग करते हैं, साइन नहीं। यहाँ विटनेस के लिए साइन कीजिए। मुझे दस्तखत करना नहीं आता। ये अंगूठा सील डालूंगा, खून से लगाऊंगा तो चलेगा ना ये सब? क्या बात कर रहे हैं आप?
है। वही जो आपने सुना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं ऑफिसर, आप वो पैड दीजिए, ये अंगूठा लगाइए। अंगूठा ही लगाइए। टेबल टूट जाएगा। हमारे पिता पुत्र राज की, हमारे पिता पुत्र राज की, हमारे पिता। भैया ये सब लोग पार्टी एंजॉय करने के लिए गेस्ट हाउस में दारू के साथ लड़कियां भी मंगा लेते हैं। तेरी हरकतों से ऐसा लग रहा है ये नेता बनने के बाद तू उसका पीए बनेगा। हा? ये सब राजनीति है, पैसा ही सब कुछ है। क्यों? इस राजनीति में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। पैसा नहीं तो कोई दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए ये सब तैयारियां चल रही है। जाओ जाकर पब्लिसिटी। भैया देखो न जाने कैसा हादसा हो गया, हमारे चार लड़के मारे गए। भैया ये काम जिसने भी किया होगा ना उसे जान से मार देंगे। तुम्हारा कहना मानो तो मुझे ही मरना पड़ेगा। भैया गाड़ी में बम मैंने ही रखा था। आपने? मानता हूँ हमारे चार लड़के मर गए, मगर डरने की बात नहीं है, इससे हमको 50,000 वोट मिलेंगे। 50,000 वोट। देख क्या रहा है, खून लेके आ। तुम्हारा नहीं, ब्लड बैंक से लाना। भैया ब्लड किस लिए? तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, मैं बताता हूँ। सो जाओ पहले। भैया बॉम ब्लास्ट में तुम घायल होकर हॉस्पिटल आ गए हो, सारे बॉडी में मार लगी है। पब्लिसिटी अपने आप मिलेगी। कैसी है मेरी राजनीति, टीवी वालों को इनवाइट किया है। तुम दर्द से चिल्लाओ, चार वोट ज्यादा मिलेंगे, एक्टिंग करनी पड़ेगी। मुझे अब सब पता चल गया। क्या पता चला? दूसरों को मारो तो गुंडा, अपनों को मारो तो राजनीति। आओ इधर। मेरे अलावा इस फ्लोर में और कोई नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुझे मार दूंगा। सर अंदर पोतेराज और पोतेराज का भाई है। सर हॉस्पिटल के आसपास बहुत सख्त बंदोबस्त किया है। डॉक्टर पेशेंट की हालत अब कैसी है? इज आउट ऑफ डेंजर सर। हेलो मिस्टर, तुम सब कौन हो? हम पोतेराज के आदमी हैं। हाँ पोतेराज। यहाँ पे कमिश्नर है, अंदर जाना मुश्किल है। यस सर, ओके सर। तुम कहाँ जा रहे हो? चोट लगी है सर। इसको कुछ किया बिना नींद नहीं आती क्या? जल्दी जाओ, फौरन वापस आना। चलो। प्रेस वालों को बुलाया ना? हाँ बुलाया भैया। हाँ टीवी वालों को बुलाया भैया। कमिश्नर आईसीयू के पास जा रहा है। कमिश्नर यहाँ मरने क्यों आया है? जसवाल तुम दोनों ये रुको। ओके क्यों सर, मेरा भाई मरा है या जिंदा है देखने के लिए आए हैं? अंदर जाने नहीं दूंगा। वर्दी वाले ऑफिसर को रोकने का
नतीजा पता है ना? आईजी साहब को पता है। कमिश्नर जी, एक मिनट। आईजी सर। सर बोलिए सर। क्यों गए वहाँ? सिक्योरिटी देने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, आ जाओ। इन ये उस चेड़ी और हमारे बीच की बात है, हम दोनों सुलझा लेंगे। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? जाओ सर। भैया भैया वो टीवी वाले आ गए। चल जल्दी चल जल्दी चल। देखो देखो, मेरा भाई किस हालत में सोया है। देखो सरकार कह रहे थे गुंडे को टिकट नहीं देंगे, गुंडे को टिकट नहीं। अब बताओ गुंडा कौन है? हम गुंडे हैं या वो गुंडे हैं? हमारे पास तो छोटे छोटे चाकू हैं, उसके पास तो बड़े बड़े बॉम्ब हैं, बॉम्ब। कलम से चाकू, चाकू से कलम बहुत खतरनाक है, ये तुम्हें साबित कर रहा है। मेरे भाई के साथ जो धोखा हुआ है उसे लिखकर हमें इंसाफ दिला दो। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे भाई को जगाओ। भैया भैया भैया, सुपर एक्टिंग। बड़े भाई से छोटा भाई जबरदस्त एक्टर है, ऐसा लग रहा है जिंदा होते हुए भी मर गया। ए, जगाओ। आपका भाई क्या हुआ? मर गया सर। भैया टीवी वाले प्लस वाले चुप रहो। आप लोग चलिए चलिए। ये कैसे हो गया डॉक्टर? हम जब नीचे थे उस वक्त शायद मुझे लगता है जेडी के आदमियों ने मार दिया। पोतिया राज कहाँ है? ऊपर बैठे हैं, चलिए। भैया मंत्री जी आए। तो मैं मर गया था क्या? 40 साल की राजनीति में कितने एमएलए को मारा हूं, कितनों को बर्बाद किया मैंने, ये बात तो मेरे को बोलता तो क्या हो जाता था तेरे को? तुम पहले बोलते तो बात ही कुछ और थी। एक्शन अपनी जगह, रिएक्शन अपनी जगह। जब चाहे उसे दिमाग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने आप को बड़ा दिमाग वाला समझकर बॉम्ब ब्लास्ट किया, क्या हुआ? तुम्हारा भाई पार्लियामेंट के बदले परमानेंट चला गया। ए, इधर सुनना। मुझे गुरु समझकर मेरी बात ध्यान से सुन। उस कमिश्नर की नजर तुम दोनों पर है, तुम्हारे भाई को जेडी ने मारा है। ऐसी एक झूठी कंप्लेंट दे दे, बाद में मैं देख लेता हूँ। दोबारा अगर ये बात तुम्हारी जुबान से निकली तो ये पैर तेरा गला दबा देगा, याद रखना, समझे क्या? मुझे पागल समझा है क्या? तुम्हारे राजनेताओं के जैसे कुत्ता समझा है मुझे। पोतिया राज नाम है मेरा। राजनेताओं के बीच और गुंडों के बीच एक बहुत स्पेलिंग गैप है। तुम भगवान जैसे हो, हम राक्षस जैसे हैं। कोई भी पुराण उठा के देख लो, तुम हमेशा धोखा देते आए हैं हमें। मालूम हुआ तब से, अब तक यही हुआ है। अब मैं हर चल मचा दूंगा, सारे देश के गुंडों को एक साथ इकट्ठा कर दूंगा। सब मिलकर अपना अपना दिमाग लगाएंगे, और अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो भाई गिरी ही हुकूमत करेगी। मरने वाला कौन था? मेरा भाई था। उसके लिए ये धन दौलत, ये घर सब कुछ बनाया। मेरे भाई को मारने वाले उस चेड़ी को, उसके बेटे को मेरे हाथों से मारने के बदले पुलिस स्टेशन जाकर चक्के जैसे कंप्लेंट दी, तो मेरी मर्दानगी का क्या मतलब? क्या मतलब? काट डालूंगा, एक एक तो काट डालूंगा। मैंने नहीं किया। बढ़िया का खून मैंने नहीं किया। अगर मैं मारना ही चाहता तो सबसे पहले उस पोत्याराज को मारता। ऐसी बात नहीं सर, इलेक्शन नजदीक है, आपके बेटे को टिकट शायद नहीं मिलेगा सर। तब तो इलेक्शन ही नहीं होगा, पार्लियामेंट में कुछ भी हो सकता है, समझे? मैं सारे के सारे एमएलए खरीद लूंगा, समझे? सर कार रेडी है, जाओ गो। कैसे मारा होगा?
उसको किसने मारा होगा? सुनिए सुनिए, अपने हाल चाल सुनिए। आपके किस्मत में क्या है, जो भी लिखा है उसे मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं वो भाषा जानता हूँ जो भगवान लिखता है। मेरा ये झूठे इंसान क्यों रे, इजाजत के बगैर मंगला के चौल में आने की हिम्मत कैसे विचारे? तेरी किस्मत की रेखा मैंने देखा मंगला, मैं अगर भविष्य बोला तो तुम्हारे सारे कॉलोनी के लोगों की किस्मत खुल जाएगी। मेरा जोशी सुनो, लोगों को भी कहो सुनने को। अरे जा रे, उनके नसीब में जो लिखा वही होगा। तुम उनकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते। मेरे कहने से भविष्य में बदलाव नहीं आएगा। आज जो मेरी बात नहीं माना वो बियर बार में लड़कियों के कपड़े धो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरी भविष्यवाणी सुनने को बोलो लोगों को। कौन कब ऊपर चला जाएगा बताऊँ क्या? जरूरत नहीं है, मेरी बहन का भविष्य उज्ज्वल है। ए, तुम पूछो मेरा भविष्य बताइए ना। मेरा अबे मुझ मुंडे तू इधर आ। तेरा हाथ तो खाली है, मैं बिना मतलब का किसी का हाथ नहीं देखता। वो ऐसे भी लड़कों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो लड़कियों का देखता हूँ। लड़कियों को ये लड़की लोग इधर तुम मगर चटाई पर बैठ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चटाई पर तुम मत बैठो, चटाई पर मैं बैठूंगा। हटो हटो, ये हमारी हीरोइन आ गई। हीरोइन आई क्या? उससे भी बढ़ते हम बॉलीवुड। ये हीरोइन एक हीरो के पैर में डूब गई है। सक्सेस होगी या नहीं बताइए बताइए। माता सुनो, रूम नंबर 53 में एक हैंडसम लड़का है, तुम उसके प्यार में डूब गई हो। डूबी नहीं बह गई हूँ, आप कोई मामूली ज्योतिषी नहीं है। बताइए ना, मेरी लव लाइफ सक्सेस होगी ना? समझ गया। दो दो चार, तीन तीन छह, हाथ खाली है क्या? और ये लो, देता हूँ। अरे मेरे जेब से निकाल के बदमाश, ये भी लाया। मीठा लड्डू, बीच में कद्दू, क्या बताऊं मलिका? लव सक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो हीरो का दिल एक लड़की में फिदा है। कौन है वो लड़की? वो दूसरा ताजमहल बनाने को तैयार है। क्या वो लड़की हमारी हीरोइन को भी सुन रहा है? अरे बताओ, वो लड़की चले तो ऐसा लगता है कि मोरनी नाच रही है। उसकी कमर सांप के जैसे घूमती है, उसकी अदा पे परियां भी शर्माती है। कितनी खूबसूरत है। उस जमाने में रम्मा उर्वशी मेनका देवताओं के लिए नाचती थी, मगर ये लड़की सिर्फ हमारे हीरो के लिए ही नाचेगी। तो हमारी हीरोइन उसके साथ नहीं नाच सकती है क्या? नहीं? तो फिर एक काम करो, तुम्हारी हीरोइन का लेफ्ट पे पोजीशन होगा, राइट पे हमारी सेक्स बम होगी, और फिर देखने के बाद फाइनल होगा कौन पटाने वाली है। ओके। जिधर से मैं निकलो जिधर से मैं खुल जाती मेरे लिए सब खिड़कियाँ, मरते हैं मुझ पे सब लड़कियाँ। खुल जाती मेरे लिए सब खिड़कियाँ, मरते हैं मुझ पे सब लड़कियाँ।
रुबा दिल रुबा जल्दबाजी ना दिखा मुझ पे चलेगी ना तेरी अदा अपनी पिस्तौल है सबसे जुदा मुझ पे चलेगी ना तेरी अदा अपनी पिस्तौल है सबसे जुदा कोई परी हो मैं भी हूँ नंबर वन मेरे इशारे पे सुबह चले मेरे इशारे पे शाम ढले मैं जो कह दू मौसम से तो चारों तरफ गुल ही गुल खिले कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरी न कोई मिसाल रे जो मुझको देखे हो जाए पागल ऐसा है मुझ में कमाल रे मेरी निगाहें मेरी ये दुआएं कर देगी आज तुझको दीवाना हे आगे सी मेरी हुस्न भी कर देगी जो तुझे परवाना गुजरो जिधर से मैं निकलो जिधर से मैं जाते मेरे लिए सब खिड़कियाँ मरते हैं मुझ पे सब लड़कियाँ खुल जाते मेरे लिए सब खिड़कियाँ मरते हैं मुझ पे सब लड़कियाँ बोल जा तुम उस लड़के को भूल जा तो क्या मेरी उससे शादी नहीं होगी असंभव कैसे नहीं होगी मैं भी देखती हूँ मैं भी बॉलीवुड की लड़की सही है। यहाँ मैंने कितने हीरो को नहीं पटाया दूध में दवा मिला के उसे जरूर पटाऊंगी मेरे भविष्यवाणी के खिलाफ जा रही हो अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी मुछ बुलवा दूंगा तेरा दिमाग तो ठीक है ना हम किसी की नजरों में नहीं आना चाहते अगर किसी को मालूम पड़ गया होता तो क्या होता जानते हो तुम जल्दी से चले जाओ किसी को भी पता नहीं चला मनिया की मौत की खबर पेपर में पढ़कर सारे गांव में सब खुशियां मना रहे थे इसलिए मैं तुमको देखने के लिए आया था देखा ना अब जा सकते हो आइंदा इधर आए तो ठीक नहीं होगा तुम्हारी जरूरत के लिए गांव वाले ये पैसे भेजे हैं ये लो पैसे इसे ना मत बोलो रख लो ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए बदला बदले की आंख नजर आनी चाहिए किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ना सबको मार दे तुम रोना नहीं तुम रोना मत नरसिम्हा तुम रोना मत किसी को नहीं छोड़ना नरसिम्हा किसी को नहीं मास्टर जी अपना ख्याल रखना चलो चलो याद रखना नरसिम्हा हाय डैड डिस्को जा रहा हूँ डैड तब होने वाले एमएलओ पोते राज के लोग तुम्हें मारने के लिए बेचैन हैं सिक्योरिटी के बिना कहीं भी मत जाना कितनी बार समझा तुम या ओके ओके मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जल्दी हो जाना या ओके डैड ओके हाय डार्लिंग हाय Oh!
हेलो कंट्रोल रूम। नमस्ते सर। वो छोकरा किधर है? अंदर है सर। 302 कॉल द मैनेजर। तुम अंदर जाओ। ओके सर। तुम पार्किंग एरिया में देखो। ओके सर। गुड इवनिंग सर। आर यू द मैनेजर? यस सर। शो खत्म होने के लिए कितना टाइम है? हाफ एन आवर सर। इस थिएटर को कितने दरवाजे हैं? 6 सर। और कहाँ कहाँ है? आगे 2, राइट में 2 और लेफ्ट में 2। चलो डोर्स बंद करो, जल्दी करो। क्या विनर कहाँ है? उधर है सर। मारा हो यहां से भाग नहीं सकता। सिर्फ मेन डोर खोलिए, लोगों से कहिए एक एक करके बाहर निकले। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, यहां बाथरूम में एक मर्डर हुआ है। कातिल आप लोगों के बीच में ही है। आप लोग एक एक करके आइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। कम ऑन, मूव मूव मूव। हम दोनों साथ में रहेंगे तो शक होगा उसको। तुम जाओ, जाओ ना, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। We'll be right back.
वहां एक मर्डर हुआ है और तुम लोग यहां चैन से सोए हो। चलो उठो। ए, उठ बे साले। क्या है ये सब, आधी रात को आकर क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ, उस दिन तुम्हारे लड़के की इज्जत बचाने के लिए बस स्टैंड में लड़कों को मारने वाला हीरो किस रूम में है बता? क्या इंस्पेक्टर साहब, क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो? सर वो रूम नंबर 53 में है सर। सर कहाँ है? सर 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 बता। वो रहा, वो रूम में है सर। Well done, Chandan. You are right. Commissioner! Hey, मरना है क्या? तुमको किसी को जान प्यारी नहीं है क्या? तुम सारों ने सुसाइड करने का सोचा है? तुम सारे क्यों उसके लिए जान दे रहे हो? और वहां पर वो दाढ़ी वाला, वो गूंगे को बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठा। उस दिन पोतेराज के भाई मने को उसी ने मारा था, आज भी जीडी का बेटा फानी को उसी ने मारा है। फानी मर गया क्या? वो जेडी का बेटा मर गया? हाँ, मेरे बेटे ने उसे मार दिया। माँ शरा वाली। ए, कल तक हम तीन थे, आज दो हैं, कल एक ही सही, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। क्या पकड़ी है वो गूंगा कहां? नाम है नरसिम्हा, भूखार नरसिम्हा। ड्राइवर एमएलए जी आ गए, गाड़ी चालू करो। गाड़ी उनके लिए नहीं रुकी है, नरसिम्हा के लिए। अरे क्या डिस्कशन कर रहा है, मैं आ गया हूँ ना, ट्रेन चालू कर। गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं रुकी है, गाड़ी नरसिम्हा के लिए रुकी है। क्यों रुकवाया? बारिश ना आने की वजह से किसान क्यों परेशान होते हैं? बारिश आने से पहले बादल क्यों गरजते हैं? जनवरी 14 को संक्रांति क्यों आती है? किसके आंखों में सूर्य चंद दिखाई देते हैं? भगवान विष्णु की। हाँ। हमारे गांव वालों का नरसिम्हा भगवान है। कौन है रे? क्या बोला? वो देख। लिख जाए, लिख जाए।
प्यार में रहता है, इश्क वो संसार है। इश्क आंधी में चलता है, तूफानों से लड़ता है, इश्क वो तलवार है। करता नहीं ये दुनिया के परवाह, अपने लिए खुद बनाता ये राह। ना मुड़ कभी ना रुक कभी ऐसा ये गोफला। सारा दायरा है नीचा, इश्क आसमां से ऊंचा। सारा दायरा है नीचा, इश्क आसमां से ऊंचा। यार रब बंदगी, इश्क यार है जिंदगी, इश्क है दीवानगी। इश्क फूल से प्यारा है, इसका अजब ही नजारा है, चांद सा है ये हसी। मस्ती छा जाए जब इश्क करे जादू, दिल पे धड़कन पे रहता है काबू। जहाँ इश्क का जलवा हुआ वहाँ कोई गुल खिला। तायरा है नीचा, इश्क आसमां से ऊंचा। इश्क आग है, इश्क है छोला, इश्क जंग है, इश्क इश्क है, इश्क का यारा सा सरंग है। इश्क है दुआ, इश्क है खुदा, इश्क का जज्बा सबसे है जुदा। इश्क नाम है एक कयामत एक जलजला। सारा दायरा है नीचा, इश्क आसमां से ऊंचा। सारा दायरा है नीचा, इश्क आसमां से ऊंचा। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते नरसिम्हा, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। नरसिम्हा, गांव के सारे किसानों का अनाज तुम ही लेकर आते हो, बगैर कमीशन के जिंदगी कैसे चलेगी? अरे मुझे पैसों की क्या जरूरत है, गांव वाले मुझे पाल रहे हैं, मैं गांव वालों की देखभाल कर रहा हूँ। गिन लो पूरे 110,000 है। अरे पागल एक चाय तो बोल। मुझे क्यों पागल बुलाते हो तुम? मेरे माँ बाप ने भी मुझे प्यार से एक नाम रखा है। क्या दीवाने का मतलब क्या है? पागल। पागल का मतलब क्या होता है? दीवाना होता है। तो इस दीवाने पागल को समझाओ। नरसिम्हा पैसे। भाई 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 क्या आ रहा है? वो देखो मेरे पीछे आ रहा है। ये पैसे इसके। कौन है तुम? इस पटेल के वर्षा में क्या करने आया? ये पैसा जब तक तेरे हाथ में था तब तक तेरा था, अब मेरे हाथ में आ गया है तो ये मेरा है। छीन लेना, पा लेना, खा लेना, सो लेना, मार देना, पटा लेना, रो लेना, धो लेना, कैद होना, कोर्ट जाना, केस लड़ना, केस आना, भाग जाना, पकड़े जाना, ये तुम जैसे बदमाशों की किस्मत में लिखा है। हम जैसे लोग तुम्हारी सफाई करें तो कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारी औकात है दूसरों के चुराए पैसों से पेट भरना। इतिहास पढ़ के देखो, तुम जैसे बुरे लोगों का अंजाम सिर्फ बुरा है। इन पैसों से कितने दिन खा सकते हो? एक दिन, एक महीना, एक साल, फिर वही जो अब तक करते आए हो। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम काम कर सको, खा सको। ए गुंडो, तुमने आज जो पैसे चुराए वो मटके के धंधे के नहीं, लॉटरी का माल नहीं, ये पैसा किसानों ने मेहनत करके कमाया है। किसान जो इस देश का भविष्य है, जो सारे देश को खिलाते हैं, दिन भर खेत में पसीना बहाते हैं, ये पैसे लौटा दो, वैसे भी ये पैसे यहीं छोड़ के जाओगे, क्योंकि मैं किसी बुरे इंसान को नहीं छोड़ता। तेरा मरना जरूरी है। गंदी नाली के कीड़े अगर एक पाप की औलाद हो तो मेरा कहना मानकर ये काम छोड़ दो और मेरे पैसे लौटा दो, वरना Thank you.
पहली गलती पे हटाई करता हूं और दूसरी गलती पे मौत, ये मेरा फार्मूला है। सोन, हाथ पैर चला और कोई काम धंधा कर और खून पसीने की रोटी खा, मेहनत कर। बदला लेने की हिम्मत है तो कभी भी आ जाना, वरना फिर कभी नरसिम्हा की नजरों के सामने मत आना, याद रखना ये बात। सुहाना, ए सुहाना, ट्रेन जा रही है, जल्दी आ। अरे जल्दी आ, जल्दी आना। आजकल के लड़कियों का तो कोई वजह ही नहीं होता, एकदम हल्की फुल्की होती है। कौन हो तुम? अरे मैं भी आपकी तरह एक पैसेंजर हूँ सर। मैंने कोई टीसी समझा, लेकिन तू ये बता, तूने मेरी बेटी का कमर क्यों पकड़ा? सर हाथ को मिली तो पकड़ लिया। भी मिलेगा तो पकड़ लेगा क्या? सर आप क्या पागलों जैसी बात कर रहे हैं, थैंक्स बोलने की जगह गाली दे रहे? गाली नहीं दूं तो तारीफ करूं क्या? अरे कुंवारी लड़की की कमर पे हाथ डालने में तुझे शर्म नहीं आई? अरे क्या बात कर रहे सर, आप तो बहुत पका रहे हैं, हमको बैठना है, चलिए हटिए। अरे हाँ, अरे अब जरा आप अपने पैरों पर क्या कर रहे हो? काम रमी खेलेंगे। अरे हाँ, अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे खेल शुरू होने से पहले शो देखना चाहता है क्या? एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये लो, मुझे जरूरत नहीं है ये। चलो पत्ता उठा के दे, पत्ता उठा के दे। अरे क्या दड़ावा दड़ा, तुम्हारी लड़कियों को खा जाऊंगा क्या? पत्ता ही तो ले रहा था एक बस। हाँ, अरे वाह, हो गई, गेम हो गया। लड़की के हाथ से पत्ता लिया और शो कर दिया, वाह इसका हाथ अच्छा है यार, अपना गेम हो गया। उधर खसक के बैठ, उधर क्यों आता है? इधर ही बैठी रहेगी तो तेरी बेटी का क्या हो जाएगा? बैठो बैठो। हाँ चलो, क्या घूर घूर कर देख रही है? रुको, फुल काउंट है भाई। अरे मेरा भी फुल काउंट कर रहा है। रुको, क्या कर रहे हो? बाकी का शो भी होने वाला था, पैसा आपस में बटेगा। भैया देखना बंद करो, पैसे निकालो। मेरे पास 10 रुपए का नोट है, चिल्लर नहीं है। देख नरसिम्हा, पहले ही बता दिया था ये सब नहीं चलेगा, बैग से पैसे निकाल के दे। देख क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? अरे मारेगा मुझे। अरे मेरे 2 रुपए कैसे? अरे वहाँ क्या देख रहा है, देना। वहाँ गिर गया है। कहाँ पे? हाँ मास्टर जी, मास्टर जी मेरे 2 रुपए नहीं मिला। अरे कहाँ गिरा है मुझे क्या पता, वो कहाँ गिरा मुझे पता मास्टर जी। मालूम है तो ले लो। ले लूँ तो तुमको दिक्कत तो नहीं होगी? अरे मुझे क्यों दिक्कत होगी मास्टर जी, मैं कहीं से भी उठा सकता हूँ। अरे तुम्हारे पैसे उठाने से मुझे क्यों दिक्कत होगी? देखिए मैं सचमुच उठा लूंगा। ले बाबा ले ले। अरे बोल रहा है तो ले लेना, ले 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 ले। हाँ लेता नहीं। तूने क्यों दिया? पिताजी वो 2 रुपए। अरे आके तेरे पर्स में गिर पड़े थे क्या? अरे पागल है तू? अरे रेलगाड़ी से धकेल दूंगा। ये क्या, तुम्हारे पास 2 रुपए का एक सिक्का था, ये 1 के 2 कैसे हो गए? क्या हाँ डालो। कह रहे यहाँ क्या कर रहा है तू? ये हमारे गांव के रजिस्टर ऑफिसर है। गवर्नमेंट है क्या? देख ली चल। एक दिन राम ने सीता से कहा। नमस्ते मास्टर जी। क्यों नहीं खाएगा बोल? हाँ क्यों नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा बोल? ये क्या है दीदी, ये तुम इसके साथ क्या कर रही हो? कितनी बार समझाया, खाना ही नहीं खाता ये। क्या ये खाना नहीं खा रहा? रुको, वाह 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 वाह, क्या खुशबू है, तुम लोगों के भी आ रही ना? क्या डाल के बनाया? कॉर्न का घी डालकर बनाया है। अच्छा तो अच्छा ही होगा। हाँ ये देख, ये खाएगा ना तो बड़ा आदमी बन जाएगा, पता है? हाँ अरे मैं भी यही खा के बड़ा हुआ हूँ। हाँ इसीलिए तो सिर्फ बड़ा हुआ है, दिमाग नहीं तेरे पास। वाह 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 वाह, बहुत मजेदार है। तुम खाओगे कि मैं खाऊं? तुम खाओगे कि मैं खाऊं? तुम खाओगे कि मैं खाऊं? खा लो। हाँ देखा नरसिम्हा का जादू, ये सब किसको नहीं आता, टाइम आने दे, मैं सबको बता दूंगा मैं कौन हूँ। ले बेटा दूध पी ले। मुझे भी चांस मिल गया। वो नरसिम्हा अपने आप को बड़ा सियाना समझता है, बच्चे को भूख लगी थी तो खाना खिला दिया, अब देख मेरे दिमाग का कमाल, मैं उस बच्चे को कैसे दूध पिलाता हूँ। अरे 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 अरे, मार के
के बच्चे को दूध थोड़े पिलाया जाता है। देखो मैं पिलाता हूँ, अरे ले 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 आ मुन्ना आ, मैं दूध पिलाता हूँ, अरे रे रे आ मुन्ना चुप हो जा, दूध तू पी ले या मैं पी लूँ, अरे रे दूध बड़ा प्यारा था मैं पी लूँ। सुनिए जी, भाग ये तो बेटा, अरे ये बदमाश दूध पीने की बात कर रहा है। चूल्हे का ही मैं पिलाता हूँ ना, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे स्वाना 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 क्या है? मेरे पास चेंज नहीं है, उसको देना है। मेरा दो का सिक्का दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। कैसे चला जाऊँ? तुम्हारी यादा भगवान को भी पसंद नहीं आएगी। अगर तो मुझे रेल में पसंद आ गई तो मैं घर जाके तुम्हारे बारे में। हमारे बारे में क्यों, अभी हमारी शादी थोड़ी ना हुई है। तुम इस तरह करोगी ना? मैंने क्या किया है? मैंने तुमको एक दिया, तुमने मुझको एक दिया, एक एक जमा होके दो, लड़का लड़की मिलेंगी तो एक। तुमको मैं कैसे दिख रही हूँ? आसमान में रहने वाला चांद, जमीन पे गिरने वाली शबनम। तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? हमारे सिवाय गांव में रहने वाली सभी मेरी माँ बहने। तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यार में शर्म नहीं होनी चाहिए, पर नहीं मिलेगा। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे रुपए का सिक्का दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। मैंने उसे दिन दे दिया। वो तुम्हारा वाला था, मुझे मेरा वाला दे दो। मुझे छोड़ दो। मुझे दो, कभी नहीं दूंगी। अरे गुरु, ये हमारों की लड़की तुझसे प्यार कर रही है क्या? अरे यार ये खाली नहीं है, एक लड़के से प्यार करती है और उस लड़के ने ये कहकर इसे भगा दिया कि आईने में चेहरा देख कर आओ। क्या कहानी बना रहे हो? क्या बोल रहे हो? ये सब ये मारो की लड़की किसी से प्यार करती है और वो लड़का आईने में शक्ल देखने की बात करता है। क्या नरसिम्हा, ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो और कोई नहीं, अपने नरसिम्हा है। किससे किससे किससे? क्या सुहाना, क्या है, गाँव में किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको बता दिया ना? बच्चों को नहीं बताया है? क्यों, हमारे भी तो बच्चे होंगे ना। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। क्या है? तुम्हारी आंखें अच्छी है, तुम्हारा चेहरा अच्छा है, तुम्हारा फिगर अच्छा है। तुम लोगों को बता दिया ना? चीची, तुम्हारी कमर अच्छी है, ये कभी नहीं कहा। तो और क्या कहा? कहा कि तुम मुझे पसंद हो। क्या बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अभी कहा ना, तुम मुझे पसंद हो। क्या कहा? तुम मुझे पसंद हो। क्या? तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या सारे गांव वाले आ गए हैं? किसके घर में? हमारे ही घर में। हमारे घर पे? हाँ। आप बहुत जल्द ससुर बनने वाले हैं। शुक्र है दादा नहीं बन रहा। लेट करेंगे तो वो भी बन जाएंगे। लेट नहीं किया, शादी तो? की बात कर सकते हैं। नरसिम्हा हमारे घर का जमाई बन रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर मंगनी में तो सिर्फ चंद लोग आते हैं, यहाँ तो सारे गांव वाले आए हैं, ये गवर्नमेंट का आदमी कहाँ से पैसे लाएगा? डरने की बात नहीं है, शादी का खर्च हम ही उठाएंगे। तो फिर ओके, बधाई हो। क्या शुभ है, दूल्हे की पसंद नापसंद नहीं पूछोगे? क्या बोल रहे हो, तुम्हें पसंद है इसीलिए तो सारे गांव वाले आए हैं। क्यों, लड़की पसंद नहीं क्या? क्यों नहीं पसंद है? लड़की तो बहुत पसंद है। ससुर तो कमी है क्या? वो भी बहुत पसंद है। कमी किस बात की? हाँ बोलो बताओ। मुझे जो चाहिए वो मिलेगा तो पसंद है। दहेज? गवर्नमेंट से दहेज मांग रहे हो? मैं किसी गवर्नमेंट से नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। तुम अंदर आओ, अंदर आओ। ये मेरी स्वर्गीय पत्नी का हार है, ये मेरी बेटी का हीरे मोती का हार है, ये पैसे इसके अंदर घर के पेपर्स है। ये सब मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। तो और क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ एक चीज चाहिए। अरे क्या चाहिए बताओगे तब तो पता चलेगा बेटा। वो तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छी तरह मालूम है। ये तो छोटी बच्ची है, उसे कुछ भी नहीं पता, चाहो तो मुझे बताओ। सर मुझे तुम्हारी बेटी से क्या लेना आपको पता है? नहीं तो? तो तुम फूटो, मुझे क्या चाहिए तुम्हारी बेटी को पता है, तुम जाओ। बेटी लड़के को क्या? जाओ सर। जरा ये क्या ड्रामा है, कल कहा मेरी आंखें अच्छी हैं? कहा? ये भी कहा कि मेरा चेहरा अच्छा है। कहा? मेरी कमर भी अच्छी है। हाँ वो तो है। तो अब क्या तुम बात बदल रहे हो? ट्रेन में 2 रुपए का सिक्का गिरा था, वो तुमने वापस नहीं दिया। वो ना, वो है। हाँ, वहाँ, मुझे क्या पता, जब से तुमसे मिला हूँ तब से तो वहीं पर पड़ा हुआ है, मुंह फेर कर खड़ा होता हूँ, तुम निकाल लो। बाप रे, कहाँ बोले तो यहाँ नहीं, वहाँ। ये देखो, इसको यहाँ क्यों रखा है? हम दोनों को तो इसे सिक्के ने मिलाया था ना, इसलिए भगवान के पास रखा था, हमारी शादी हो जाए तो इसी से भगवान को प्रसाद चढ़ाओगे क्या? कि जहाँ भी हो ले लूंगा कहा था ना, अब तुम ले सकते हो। अरे वही लेने के लिए तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, सैंपल मेक ले लूं क्या? क्या दो ना। दामाद जी मिला क्या? थोड़ा मिला है, बाकी का मैं दूंगा, आओ इधर। नहीं नहीं आपके देने की चीज नहीं है। तो लड़की के पास से ही पूरा ले लो। अरे बाबा डरने की कोई बात नहीं है।
आंखों में जादू, तेरी बातों में जादू, तेरी अदा में जादू। मेरा सपना है तो बस एक अपना है तो तुझ पे तो मैं फिदा हूँ। तू है मेरी जान वफा, हो ना कभी तू ना खफा। से भी ज्यादा चाहूंगा तुझे वादा है प्रिया। तेरी आंखों में जादू, तेरी बातों में जादू, तेरी अदा में जादू। मेरा सपना है तो बस एक अपना है तो तुझ पे तो मैं फिदा हूँ। तेरे लबों पे है गुणों की दास्तां, तेरे लिए है मेरे सारे अरमां, मैं हूँ ज़मीं तेरी तू मेरा आसमां। आओ मिल जाएं जैसे हो जिस मुरझा, जैसे खुशबू पवन जैसे सागर नदियां। आओ मिल जाएं जिस मुझा, जैसे खुशबू पवन जैसे सागर नदियाँ। तेरी आंखों में जादू, तेरी बातों में जादू, तेरी अदा में जादू। मेरा सपना है तो बस एक अपना है तो तुझ पे तो मैं फिदा से सावन भी मांगे घटा ना, तो सावन को अपने जुल्फों से घटा। तेरे चेहरे से चंदा भी मांगे छटा, क्यों तो चंदा को अपने ये हंसी छटा। दीवाना वो भी है तेरी अदाओं का, पर दिल दीवाना है तेरी पन्नों का। दीवाना वो भी है तेरी अदाओं का, पर दिल दीवाना है तेरी पन्नों का। तेरी आंखों में जादू, तेरी बातों में जादू, तेरी अदा में जादू। मेरा सपना है तो बस एक अपना है तो तुझ पे तो मैं फिदा हूँ। तू है मेरी जान वफा, हो ना कभी तू ना खफा। से भी ज्यादा चाहूंगा तुझे वादा है प्रिया। साइकिल सीखने से क्या होगा? जब मैं खेत में काम करूंगा तो तुम साइकिल से आकर आवाज देना। अरे सुनो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, इसलिए तुमको साइकिल सीखना जरूरी है। हाँ? चलो 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 चलो। साइकिल ही नहीं बेबी, कपड़े भी फट गए हैं, सिलवा दूं? कौन है बे तू? अच्छे इंसानों के लिए भगवान हूँ और बुरे लोगों के लिए शैतान हूँ। नाम है नरसिम्हा। ए चल हट। रुक, और एक कदम आगे बढ़ाया तो जिंदा नहीं रहेगा। कहा ना, ये हमारा गांव है, यहाँ हम लोग इस तरह समझाते हैं, नहीं माने तो
ऐसे समझाना पड़ेगा। ये सुहाना के कपड़ों और साइकिल रिपेयर के लिए। एक फोन करूंगा ना। जबान बंद रख। जब पिस्तौल से कुछ नहीं कर सका तो फोन से क्या कर लेगा। अरे अरे क्या कर रहे हो? रुको। नरसिम्हा जानते ना ये कौन है? जेडी साहब के बेटे हैं ये। तो इनसे कहो कि 3 बार खाना खाए और 6 बार निकालने जाए, लेकिन फिर कभी हमारी नजरों के सामने ना आए। ये क्या कह रहा है नरसिम्हा? मेरे साइकिल को डैश करके मुझे पानी में गिरा दिया इन्होंने। तो ये झगड़ा तेरी वजह से हो रहा है? माफ कर दो, ये मेरी बेटी है। कल तक थी, आज से ये हमारी होने वाली बीवी है। एमएलए जी इनसे कह दो ये गांव है, यहाँ की जमीन पानी और हवा पाक है। कोई भी अगर गलती करेगा तो मार खाएगा, और नहीं माना तो मार दिया जाएगा। याद रखना। चलो। अरे भाई ये सब करने की क्या जरूरत थी? सर मैं इस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा के एमएलए साहब को दे दूंगा। मैं तुमको दे दूंगा। नहीं नहीं, इनके पिताजी इसको लेकर आने के लिए बोले थे। ये सब तकलीफ मत उठाओ, तुम शहर जाओ, हम भिजवा देंगे। नहीं, 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 नहीं। ये गांव हमको बहुत पसंद आया अंकल, कल तक रुक कर जाएंगे। अच्छा तुम जल्दी से काम करके खुद फाइल लेकर के आ जाना, अब हम चलते हैं। चल 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 चल। ए पार्टनर तुम यहाँ क्यों रुके हो? मुझे सब पता चल गया। हाँ दोस्त, सवेरे नजर आई वो लड़की अभी भी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। सही है, उसके साथ सोने के बाद मौत भी आ जाए तो परवाह नहीं। भैया जल्दी आओ, सोना भी आने वाली है। दोनों साथ में फेरे लोगे तो अच्छा होगा, ऐसा पूजा ने बुलाया क्या? अरे बापरे, तुझे कैसे पता चला? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। हेलो सुहाना, टेबल के ऊपर एक येलो कलर की फाइल है, उसको लेकर जेडी साहब के बेटे जो टूरिस्ट बंगलों में रुके हैं उनको जाकर दे दो। हेलो सर, मैं एमआरओ बोल रहा हूँ, सब कलेक्टर जी ने अभी मुझे अर्जेंटली बुलाया है। तो हमारी फाइल कब मिलेगी? फाइल मेरी बेटी लेकर आ रही है। ओके ओके, प्लान सक्सेसफुल पार्टनर। टेंशन को रोक नहीं पा रहा हूं। मेरा भी वही हाल है। नमस्ते जी। तुम क्यों आई हो? आज विजयादशमी है ना, भैया और सुहाना भाभी मंदिर में फेरे ले रहे हैं, इसलिए ये फाइल मेरे साथ भेजी है। अरे मूड की वाट लगा दी। अरे वो तो लड़की है, अरे चिंकी है वो तो। नरसिम्हा डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? नरसिम्हा चिंकी को देखो, चलो जल्दी अंदर चलो। डॉक्टर मैं यहाँ हूँ ना नरसिम्हा, तुम लोग बाहर रुको, चलो तुम जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर। नरसिम्हा इसको फिक्र मत करो, मैं हमारी चिंकी की इज्जत लूट चुकी है, समझे? हमारी चिंकी की इज्जत लूट चुकी है।
दादाजी देखो 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 ना चिंकी को क्या हो गया। माँ माँ मामा माँ माँ देख ना चिंकी को, वो बोले रही मास्टर जी बताइए ना चिंकी को क्या हुआ। मास्टर जी देखो ना चिंकी को। माँ बहन चिंकी मैं देख तेरा भाई हूँ तेरा। बोलना चिंकी बोलना मैं तेरा भाई। फाइल देने के लिए टूरिस्ट बंगलो पर जाने के बाद एक बाप क्या लाता तो निकल बाहर। बोल कौन थे वो लोग। बोल कहाँ थे। बोल कौन थे। नरसिम्हा कहाँ से आए थे। बताओ नरसिम्हा। बोल कौन थे लोग। कहाँ से आए थे बता। कौन थे। बोल बेटा। बोल छोड़। बोल नरसिम्हा अगर तुम पागलों जैसा बर्ताव करोगे तो चिंकी को इंसाफ मिलेगा क्या। हाँ बोलो। हमारी बात सुन। चले मेले के पास चलना। एमएलए जी क्या हुआ भाई। कल हमारे गांव में कोई दो लड़के आए थे। उन दोनों ने उन्होंने हमारी चिंकी की इज्जत लूटी है। क्या बात कर रहे हैं। एक मिनट मैं एसपी को फोन करता हूँ। नहीं इनसे कुछ मत कहो। उनको तो मैं मारूंगा। तुमको उन दोनों की मौत चाहिए ना तो मिलेगी ना। मैं खत्म करवाऊंगा उन दोनों को नहीं तो एमएलए की पोस्ट से जाएगा। कहना मान लो नरसिम्हा अब तो गुस्सा छोड़ दो। चलो घर। चलो 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 चलो। इतना अकड़ क्यों रहा है। इसे मार दूं क्या। नहीं जल्दबाजी नहीं। इस समय हमारे एमएलए लीगल रूट अपना रहे हैं। उनके पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमको क्या करना है मैं बता दूंगा। तुम्हारी ये हिम्मत। इस गांव के बारे में क्या जानते हो आप। यहाँ का रीति रिवाज पता है। हाँ। डॉक्टर स्टेशन से लौटकर उसके यहाँ आने से पहले हम और आप एक समझौता कर लेते हैं। मैं तुमको 5 लाख दूंगा। मैं तुम्हें खिलौना बेचने वाला दिखता हूँ क्या। 10 लाख। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर को इतना चीप समझा क्या तुम लोगों ने। 15 लाख। एमएलए की बात मानकर नरसिम्हा चुपचाप है। तुम्हारे लोगों ने चिंकी की इज्जत लूटी है। ये बात अगर नरसिम्हा को पता चली ना तो तुमको इसी कमरे में वो मार देगा। 20 लाख रुपए। सॉरी ज्यादा फोर्स करेगा तो पुलिस स्टेशन को फोन करना पड़ेगा। पैंतीस लाख। घबराइए मत। हादसे के बाद ये ऐसा ही है। कहीं भी हो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करूंगा। हेलो। मैं बोल रहा हूं। क्या हुआ सर। नरसिम्हा हमारी चिंकी अब हमारे बीच नहीं रही। देखो
दादाजी, देखो देखो दादाजी, चिंकी दादाजी, दादाजी चल। ये फाइल मुझे टूरिस्ट बंगलों में पहुंचानी है। ये फाइल मैं लेकर आती हूँ। तुम और भैया फेरे ले लोगे तो अच्छा होगा, ऐसा पुजारी जी ने बोला है ना? रिपोर्ट तो देखो। ये क्या मास्टर जी, आप तो बोल रहे थे कि आपकी बच्ची का रेप किया गया है, पर यहां तो कुछ और है। ये क्या डॉक्टर, उस दिन क्या बोले और आज आपने क्या लिखा? जो कुछ हुआ वही तो लिखा है। चिंकी का रेप हुआ है ये आपने बताया था ना मुझे? मैं कहां बोला, वो बच्ची खेलते समय गिर गई, चोट के वजह से मर गई और क्या। झूठ बोलते हो, पैसे की लालच में आकर तुम गलत रिपोर्ट लिखते हो। क्या हो रहा है यहाँ पर? रुको, ये रिपोर्ट गलत है। क्या? नरसिम्हा, नरसिम्हा भाई, छोड़ो मुझे। नरसिम्हा, नरसिम्हा, रोको उसे, अरे उसे रोको। अरे, अरे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये नरसिम्हा, छोड़ दो। अरे, छोड़ दो मुझे। आप तू क्या लेकर जाइए? देखा देखा कितना बड़ा हादसा हो गया। कितनी बार कहा नरसिम्हा रुको रुको रुको, अब सबकी आंखों के सामने डॉक्टर को मार दिया, नरसिम्हा खूनी बन गया। राव जी सर, इस केस की कार्रवाई आप जल्दी शुरू करें। ओके सर। तुमको पुलिस स्टेशन ले जाने के बदले यहां क्यों लाया हूं पता है? चिंकी की मौत सिर्फ रेप से नहीं हुई, सच कभी भी बाहर निकल सकता है। यह समझकर जेडी और पोतेराज ने सोचा कि डॉक्टर को 35 लाख की रिश्वत देकर चिंकी का गला घोट दें। दुकाने पर सीताराम को भी मार डाला, वो डॉक्टर को मारकर तुमने बिल्कुल सही किया। अब तुमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, उनसे बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा। भाग जा नरसिम्हा, मेरी वर्दी भी यहाँ पे चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं, उनको छोड़ना मत, उनको जान से मार देना। भाग जा नरसिम्हा, भाग जा।
थैंक्स, सारी मुसीबत दूर हो गई। मुसीबत तुमको नहीं सर, मुसीबत मुझको है। क्या बोल रहे हैं? मैंने नरसिम्हा को क्यों मार डाला ये डिपार्टमेंट पूछेगा। उसने कांस्टेबल को मार दिया इसलिए। ये बोलने के लिए अब एक कांस्टेबल का इंतजाम करो ना। अरे अरे, ये क्या किया तुमने, इनको मार दिया, अब क्या होगा? एमएलए जी, एसआई को नरसिम्हा ने मार डाला, नरसिम्हा को एसआई ने मार डाला, दोनों मर गए, तो अब केस क्लोज। नहीं, मैं नहीं मानती, नरसिम्हा को कुछ नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। मेरा नरसिम्हा जरूर जिंदा है। सुहाना, बात मत करो नरसिम्हा, बात मत करो। चिंकी और दादाजी को धोखे से मारने वाले उन बदमाश गुंडों को खत्म करने तक तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए। ये तुम्हारा बदला नहीं है, पूरे गांव का है। जाओ, उन बदमाशों को एक एक करके मार डालो। जब तक तुम उनको मार कर वापस नहीं आ जाते, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। नरसिम्हा, आज तक तुमने क्यों बात नहीं की वो मुझे आज पता चला बेटा। उस दिन मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो तुम्हारी 14 साल की बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुमने कैसे बर्दाश्त किया होगा बेटा। सुनो बेटा, तुम जो भी कर रहे हो सही है, तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे गांव वाले ही नहीं बेटा, हम सब भी तैयार हैं। खून का बदला खून हो तो ये सारा संसार कब्रिस्तान बन जाएगा। नरसिम्हा, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे भी एक 14 साल की बेटी है। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कानून की रखवाली करने वाला मैं एक पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकता। तुम गिरफ्तार हो जाओ, देखो उनको सजा मैं दिलवाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा करो, गोलियों से भरी हुई तुम्हारी सरकारी पिस्तौल में गलत इंसानों को सजा देने की ताकत नहीं है, वो मेरे पास है। भरोसा करो, तुम्हारा डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर सका वो काम मैं करके दिखाता हूं। गवाहों, कोर्ट और सबूतों के बिना गलत काम करने वालों को उसी जगह पर सजा देता हूं। जिसने गलती की उसे मारने के लिए इस त्रिशूल पर भरोसा करता हूं, बदमाशों को मारने वाली इस मुट्ठी पे भरोसा करता हूं। हम गांव के लोग हैं सर, हम लोगों को धोखा देना नहीं आता, किसी को भी मारना नहीं आता सर, हम तो अनपढ़ लोग हैं सर, मगर दुनियादारी मालूम है सर। सभी औरतों को इज्जत देते हैं सर, मां को देवता मानते हैं, हम भी हथियार इस्तेमाल करना जानते हैं, पर इंसान को मारने के लिए नहीं सर, फसल काटने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए सर। इस सीधे साधे इंसान को कातिल किसने बनाया सर? जो एक चींटी को भी नहीं मार सकता, ऐसे इंसान को हत्यारा किसने बना दिया सर? मैं कोई गुंडा नहीं हूं, मुझे गुंडा बना दिया गया सर, खो दिया सर, सब कुछ खो दिया सर, अपनी बहन को, अपने दादाजी को, मेरी खुशियों को, यहां तक कि अपने देवता जैसे मास्टर जी को भी। जब तक उन लोगों को मार नहीं देता चैन की सांस नहीं लूंगा सर। बचे हुए दोनों की मौत जब अपनी आंखों से देख लूंगा तब मैं जरूर गिरफ्तार हो जाऊंगा सर। तुम्हारा कहना मान के खुद को कानून के हवाले कर दूंगा सर, मगर उन दोनों को मारने के बाद गिरफ्तार होऊंगा सर, भरोसा रखो। नरसिम्हा, नरसिम्हा रुक जाओ, नरसिम्हा, साहब, 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 मत मारिए उसे, साहब।
डर गया क्या? सुहाना की हालत देख के दुखी इसलिए सो रहा है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? नरसिम्हा उन लोगों को कब मार के गावाएगा? सुहाना नरसिम्हा की खुशियां हम कब देखेंगे? पागल ऐसी बात मत कर, नरसिम्हा ने जेडी के बेटे को मार दिया। क्या बोल रहे हैं? ये देख पेपर में छपा है। अरे तुम मुझे क्यों प्यार कर रहे हो? ये बात सुहाना को पता चली तो अरे न जाने क्या होगा भगवान। छुप जा मैं तुझ में खो जाऊं, चलो कहीं हम दूर चले जाएं यहां से। पक्का ओए पक्का चल प्यार करें हम, पक्का पक्का ओए पक्का चल प्यार करें हम, पक्का पक्का ओए पक्का चल प्यार करें हम। मस्ताना तेरी मस्ती में जाना, तेरे मेरे प्यार का आया जमाना। हवा को चांद तोड़ ले, ठंड लगे तो आसमां को साथ ओढ़ ले। सूरज को उगा दे, गर्मियों को जगा दे, बेसों की छैया में तुमको सुला दे। सांसों की बस्ती में, चाहतों की मस्ती में, दिल की कश्ती में मुझको बिठा ले। पक्का ओए पक्का चल प्यार करें हम, पक्का पक्का ओए पक्का चल प्यार करें हम, पक्का पक्का ओए पक्का चल प्यार करें हम, पक्का पक्का ओए पक्का चल प्यार करें हम, पक्का। मौसम सुहाना गाए कोई तराना, तेरे मेरे प्यार का आया जमाना। दिल है मस्ताना तेरी मस्ती में जाना, तेरे मेरे प्यार का आया जमाना। चाहत का तीर हम पे चला है, मस्ती में हम झूमे, आओ प्यार को प्यार से झूमे, लगने दे हम दोनों को इस प्यार का चस्का। पक्का ओए पक्का
चल प्यार करें हम पक्का पक्का ओए पक्का चल प्यार करें हम पक्का पक्का ओए पक्का चल प्यार करें हम पक्का पक्का ओए पक्का चल प्यार करें हम पक्का मौसम सुहाना गाए कोई तराना तेरे मेरे प्यार का आया जमाना दिल है मस्ताना तेरी मस्ती में जाना तेरे मेरे प्यार का आया जमाना बिल्कुल नहीं तुम कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा उस कमीने पोत्याराज को तो मैं देख लूंगा जेडी सर मैं डॉन हूँ सर तुम्हारे पांव भी पड़े तो इस चोर को मत छोड़ना भैया मुझे जाने दे वरना इसे शूट कर दूंगा नहीं जेडी अभी मेरे भाई के गम से मैं बाहर नहीं निकला अभी इसे भी मारोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तुम्हें क्या लगता है मैं इसे रो दूंगा ये मेरा चेला है रे इसे तो मैं खुद मार सकता हूँ अपने आदमियों से कहो पीछे हट जाए आई, वो एक घायल भेड़िया है अगर बच गया तो पलट के वार करेगा पकड़ो उसे जयदेव मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली तक मेरा नाम सबको पता है मेरे साथ डिनर करने के लिए राइट साइड से पॉलिटिकल लीडर्स लेफ्ट साइड से बदमाश गुंडे भाई लोग राह देखते हैं मेरी औकात उस लेवल की है फिर भी वो पोत्याराज मुझे मारना चाहता था वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया तुझे बचाने वाला भगवान नहीं मैं हूं भगवान ने मुझे बचाया आज मेरी जान बचाने वाले तुमको क्या चाहिए वो बताओ बताओ पैसा चाहिए जमीन चाहिए अपार्टमेंट चाहिए गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए एनीथिंग एक मिनट में अरेंज कर मेरी चिंकी मुझे चाहिए मेरे दादाजी मुझे चाहिए मेरी खोई हुई खुशियां मुझे चाहिए ए, कौन हो तुम नरसिम्हा खूंखार नरसिम्हा नहीं तुम तो मर गए थे मेरे सामने तुम्हें गोली मारी गई जब तक तुम जैसे लोग जिंदा हैं तब तक नरसिम्हा नहीं मर सकता तो तुम्हें पोत्या के भाई मनिया को मैंने ही मारा तुम्हारे बेटे को भी मैंने ही मारा है और अब तेरी मौत भी मेरे ही हाथ होगी नो Oh,
मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। डॉक्टर बॉडी ले जाओ। इंस्पेक्टर सर, आई वांट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट इमीडिएटली। यस सर। अंडरस्टूड। गो गो गो। एए, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। गलती करने से उसको बचाने वाला बड़ा गुनहगार होता है। कौन खून किया बताओ? केड़ी को किसने मारा? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तू बोल, तू बता। आ, बच्चे आजा 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 आजा। बोल किसने खून किया? मालूम नहीं है। हाँ तुझे मालूम है? कमिश्नर जी रुकिए, आप नाटक क्यों कर रहे हैं? हाँ खून किसने किया आपको नहीं मालूम? तो मैं बताती हूँ। लड़को मुझे मालूम है मैम, मुझे पता है। किसी भी हालत में उसका नाम मत लो मां, यही बात बताने के लिए मैं यहां आया हूं। अच्छे काम करने वाले इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं, वो भगवान होते हैं, उनमें से एक है नरसिम्हा। मां ये खाकी जो काम नहीं कर पाई वो काम उसने कर दिखाया, उसको बचा लो, उसको बचा लो प्लीज। हेलो, यस सर, डोंट वरी सर, हम उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे। जेडी को मैंने नहीं मारा, जेडी के बेटे को मैंने नहीं मारा, तो मेरे भाई को किसने मारा? जेडी नहीं तो कौन है? भाग गया क्या? भाग गया सर, हमें भी छोड़ दो, हम भी भाग जाएंगे। कमिश्नर को फोन करो। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया मैं जानता हूं। जेडी का खून तुमने नहीं किया और उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, ये बताने के लिए ना? नहीं, जेडी को मैंने ही मारा, ये बताने को बुलाया। तुम झूठ बोल रहे हो। ए, उनको ले आओ। आओ मीडिया वालों, सबको नमस्कार। जेडी को मैंने ही मारा है इसलिए अरेस्ट करने आए हैं। रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। तुम पागल हो गए हो क्या? ये न्यूज लाइव टेलीकास्ट हो रही है, बाद में तुम मुझे बचाने के लिए कहोगे? हम नहीं बचा पाएंगे। आप मुझे बचाएंगे मुझे यकीन नहीं है। जेडी को, उसके बेटे को, मेरे भाई को किसने मारा ये मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, पर वो कहां पर है ये तुम्हें पता है? मुझे पता नहीं है। मैं जेल में ही सेफ रहूंगा, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूँ। अब अरेस्ट करोगे या आईजी को फोन लगाऊं मैं? सर पोत्याराज को अरेस्ट कर रहे क्या? इसने कबूल किया है कि जेडी को इसी ने मारा है, इसीलिए पोत्याराज को अरेस्ट कर रहे हैं। Take him in custody. Okay, sir. ख्याल रहे, वो बहुत होशियार है, मुझे यकीन है वो हम पर नजर रखकर देख रहा होगा और टीवी में जरूर लाइव देख रहा होगा। मेरे जेल जाने के बाद वो हमें मारने के लिए प्लान करेगा। तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना? यू साहब टेंशन में हो? तुम जैसे इंसानों के साथ जाने में डर लगता है सर। कुछ भी नहीं होगा, डरो मत। समझता था तू मुझे मार देगा, देखा तुमने मैं तुझे किस तरह मौत के पास ले आया हूं। आज तुझे मारकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी और मेरी बहन की आत्मा को भी शांति। आजा।
मौत का जश्न मनाओ। गांव में सिर्फ सूरज ही नहीं डूबेगा, गांव वालों का बदला भी डूबेगा। नए सूर्योदय का जैसे दुनिया को इंतजार रहता है, वैसे ही तुम्हारे लिए सुहाना इंतजार करती रहेगी। जाओ। तुम्हारे बहन को आत्मशांति दिलाकर गांव वालों के खातिर तुम्हें जीना है। जाओ, तुमने कुछ भी नहीं किया और मैंने कुछ नहीं देखा।